अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओजी टेस्ट। आज जो मैं आपसे डिश शेयर कर रही हूँ वो है किड्स स्पेशल शवारमा सैंडविच, मेरे अपने स्टाइल में। खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स में ये मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड की साइड्स मैंने काट ली हैं बिल्कुल बारीक सी, ये देखें आप इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने 1 बाउल चिकन बोनलेस ली है जिसमें 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला मैंने मैरिनेट किया है। ये मैंने 1 कप मैक्रोनी लिए हैं जिसको इतना बॉईल किया है कि वो हाथों से मैश हो जाएं। इसमें 1 पिंच सॉल्ट और ऑयल डाल के इसको बॉईल किया है। फिर 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 बाउल लिया है मैंने गार्लिक केचप का और डेरी क्रीम का 1/2 बाउल लिया है, 1 पिंच ब्लैक पेपर, 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच वाइट पेपर जिसको मैं क्रीम में मिक्स करूंगी। ये मैंने देख लें ये सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब 1 पिंच ओरिगानो है, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला है, 2 टेबल स्पून मैंने चिकन में मैरिनेट किए थे और 1 टेबल स्पून ये है और 1 पिंच सॉल्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके अपना शवारमा स्टार्ट करूँगी। ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया, इसमें मैंने मैरिनेट की हुई चिकन जिसको मैंने 1-2 घंटे से मैरिनेट कर दिया था, इसमें 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला डाला हुआ है। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें, ये देखिए। फिर इसमें 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाला, अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। इसको इतना भूनना है ना कि इसकी रेशे बन जाएं इसी पकने के दौरान। फिर मैंने 1 टेबल स्पून बाकी तंदूरी मसाला डाला और 1 पिंच के करीब सॉल्ट डाला। सॉल्ट ज़्यादा इसलिए नहीं डाला कि हमने सोया सॉस भी डाला है और क्रीम में भी सॉल्ट होता है। अच्छा, फिर इसमें मैंने बिल्कुल 4-5 टेबल स्पून पानी डाला ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर इसको कवर कर दूंगी मैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन उतारा तो मेरा पानी बिल्कुल चिकन का पानी ऑब्जर्व हो गया है। अब मैं इसको इस तरह चम्मच की मदद से पीस लूंगी। अब ये मैंने 1 कप के करीब मैक्रोनी बॉयल हैं जिनको मैं चिकन के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह से, ये देखिए आप, मिक्स कर रही हूँ। इससे बहुत ही टेस्टी टेस्ट आता है। जब आपके बच्चे स्कूल ले जाएंगे या किसी पार्टी में ले जाएंगे तो इतना मज़े का ये बनता है कि सब बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये मैंने केचप लिया है, ये देखें, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें केचप डाला, ये चिल्ली गार्लिक केचप है। फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रीम डाली, डेरी क्रीम। फिर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके घोट रही हूँ ताकि ये एक जैसा हो जाए सारा। फिर इसमें 1 पिंच मैंने ओरिगानो डाला। ओरिगानो डालने से आपको बिल्कुल शवारमे की या पिज़्ज़ा की खुशबू आएगी। ये देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने कहीं इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, आप देख लीजिए ये डिश में मैंने डाल लिया। अब मैं इसका सैंडविच बनाने लगी हूँ। ये मैंने क्रीम में 1/2 बाउल क्रीम में 1 पिंच ब्लैक पेपर, 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच वाइट पेपर, ये देखें आप, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, आप कहीं मायोनीज ना ले लीजिएगा, ये मैंने क्रीम ली है, डेरी क्रीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर मैंने, ये देखें, सैंडविच लिया, टोस्ट लिया। अब मैं सबसे पहले इसको वाइट क्रीम को स्प्रेड करूंगी अपने ब्रेड पे, ये देखें। फिर मैं इसमें 1-2 टीस्पून
जितनी हमारी ब्रेड का साइज़ है उसी लिहाज से ये जो मेरा बैटर है वो मैं डाल दूंगी, इसको फिल करूंगी इस तरह से। अब फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर 1-2 टेबल स्पून टमाटो केचप का डालूंगी, फिर उसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून दोबारा क्रीम डाल लेंगे। अब इस सैंडविच को कवर कर दिया मैंने। अब ये मैंने दूसरा सैंडविच लिया, इसको भी इसी तरह किया मैंने। पहले इसको क्रीम से स्प्रेड किया, फिर मैंने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो हमारा चिकन था उसको मैंने डाला, केचप लिया और फिर मैंने क्रीम ली। अब इसको फिर मैंने इसी तरह कर दिया। अब ये मैं सैंडविच मेकर में इसको रखूंगी, हल्का सा ऑयल लगाइए फ्रंट पे बैक पे ताकि ये जले नहीं। ये देखिए मैंने बैक पे हल्का सा ऑयल लगाया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। अभी जब हमारी ग्रीन लाइट ऑन होगी, ये देखिए हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं, केचप और क्रीम के साथ इसे सर्व करें। ये मैंने बीच में से इसे देखें तोड़ा है, ये फुल लोडेड हैं क्रीम और मायोनीज चिकन के साथ। आप इंजॉय करें। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक्स।